नमस्कार दोस्तों, आज की खास बात में मैं आपका दोस्त वीर सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे यदि कोई व्यक्ति किसी ठेकेदार या किसी कंपनी में काम करता है तो मजदूर और कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआईसी सुविधा के अलावा और क्या क्या सुविधाएं कामगार को प्रदान की जानी चाहिए। अगर पीएफ और ईएसआईसी नहीं मिल रहा है तो ठेकेदार के साथ क्या हो सकता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंद्रपुर जिले के घुग्गुस के पास नाकोड़ा में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के ठेकेदार तिरुपति कंस्ट्रक्शन ने वहां काम करने वाले मजदूरों का पीएफ चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस देश को किसी राजनेता ने नहीं बनाया है, बल्कि इस देश को गरीब और मजदूर ने बनाया है। और इस देश के गरीब और मजदूर शोषित पीड़ित के हक के साथ यदि कोई खिलवाड़ करेगा तो बीसीएन न्यूज़ गरीबों के हित के लिए तिरुपति कंस्ट्रक्शन और एसीसी सीमेंट जैसे चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। सबसे पहले, कोई भी ठेकेदार जहां मजदूर या कर्मचारी काम करते हैं वह आपको पीएफ की सुविधा देगा ही, उसे हर हाल में पीएफ की सुविधा देना ही है। कामगार के बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जमा होता है और 12% ठेकेदार यानी एम्प्लॉयर देता है, जिसमें से 8.33% कामगार के पेंशन फंड में जमा होता है। इसके बाद यदि किसी कर्मचारी या फिर मजदूर की सैलरी 21,000 रुपये प्रति माह से कम है तो उसको ईएसआईसी की सुविधा भी जरूर मिलना ही चाहिए। ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कर्मचारी के सैलरी का 0.75% ईएसआईसी फंड में जमा होता है और ठेकेदार अर्थात एम्प्लॉयर 3.25% ईएसआईसी में जमा करता है। अब ईएसआईसी के कुछ फायदे भी हैं। ईएसआईसी अंतर्गत पूरे परिवार का इलाज मुफ्त में होता है। अगर आपकी तबीयत इतनी खराब है कि आप जॉब पे कुछ महीने काम नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में ईएसआईसी द्वारा कर्मचारी को 91 दिन का वेतन भुगतान किया जाएगा। अगर कोई महिला नवजात शिशु को जन्म देती है तो उसे 26 सप्ताह यानी लगभग 6 महीने तक घर पर रहकर भी उसे बेसिक पूरी सैलरी ईएसआईसी द्वारा मिलता है। अगर काम करते वक्त कोई हादसा हो जाता है और कोई कर्मचारी अपंग हो जाता है तो ईएसआईसी द्वारा उसे लाइफ टाइम पेमेंट मिल सकता है। तो ईएसआईसी की सुविधा जहां आप किसी ठेकेदार या किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, ठेका बेसिस पे अगर कोई मजदूर कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे ईएसआईसी की सुविधा उन मजदूर उन कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। और ईएसआईसी अगर कोई ठेकेदार नहीं देता है तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, या फिर अगर आपको पीएफ नहीं देता है तो उसे भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और ऐसे में ठेकेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। जैसे देखते हैं कि और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उसके बारे में भी हम नज़र डालते हैं। पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, चेंजिंग रूम्स एंड लॉकर की सुविधा, टॉयलेट्स, कैंटीन की सुविधा, रेस्ट करने की फैसिलिटी, प्राथमिक उपचार, और यदि आप डस्ट में काम करते हैं तो आपको गुड़ या डॉक्टर एडवाइज्ड कोई सिरप आपको मिलना चाहिए। फिलहाल तिरुपति कंस्ट्रक्शन के ऊपर पीएफ चोरी का मामला सामने आया है। पीएफ चोरी का आरोप लगा है जिसमें एसीसी सीमेंट के प्रबंधन की सांठ गांठ भी हो सकती है। हम आगे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ठेकेदार द्वारा और क्या क्या गड़बड़ियां कंपनी के अंदर की गई है। इसके लिए आप देखते रहिए आज की खास बात सिर्फ बीसीएन न्यूज़ पर। धन्यवाद।